आज पूरी कालाम की कम्युनिटी ने निकल कर अपने मदद आपके तहत काम शुरू कर दिया गया है और इंशाल्लाह ताला मेरी उम्मीद है कि 4-5 दिन में हम 4x4 ट्रैक कालाम कुम अपने मदद आपके तहत पार करेंगे। बकाया हुकूमत की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई इकदाम नहीं है, हमने नहीं देखी है। कल रजब भी आया था तो इंशाल्लाह खबर इसमें भी कलाम का दौरा नहीं किया है, तो हम अपील करते हैं आर्मी चीफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला से कि फौरी तौर पर कालाम बोर्ड पर फोकस करें और हंगामी बुनियाद पर इसके खोलने के लिए इकदाम उठाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम यहाँ पे सैलाब के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है बारहन से लेकर कालाम तक, वो हम आज अपने मदद आपके तहत यहाँ पे निकली हुई है। ये पीछे आप देख रहे हैं तकरीबन 1500-2000 के करीब कौम यहाँ पे काम कर रही है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द हम जीपेबल ट्रैक यहाँ पे बहाल करेंगे। लेकिन इस मौके पे मैं सूबाई हुकूमत से और मरकज़ी हुकूमत से भी अपील करूँगा कि फौरी तौर पर हमारे लिए कालाम रोड को खोलने के लिए इकदाम उठाए जाए और इसके साथ साथ हमारे लोगों के बहुत ज़्यादा मकानात तबाह हो गए हैं, मस्जिद तबाह हो गए हैं, स्कूल तबाह हुए हैं, तो उनके लिए रिलीफ का भी इंतज़ाम किया जाए और हमारे फसल जो अभी है वो बिल्कुल पक के तैयार है लेकिन रोड न होने की वजह से वो ज़ाया हो रही है। हुकूमत से भरपूर मुतालबे है कि फौरी तौर पर रोड के को खोलने के लिए इकदाम किया जाए। कौम भी साथ साथ काम करती रहेगी और इसके साथ साथ बाज़ इलाके ऐसे हैं जो सिर्फ एक पुल की वजह से मुनक़ते हैं, तो फौरी तौर पर इमरजेंसी पुल के लिए फौज को हिदायत की जाए कि इमरजेंसी पुल उन इलाकों के लिए फराहम किया जाए। और इसके साथ साथ कालाम में राशन की भी किल्लत है, तो हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि खैरात के बजाय सरकारी नरख पे हमें राशन कालाम में एक स्टोर बना के फराहम किया जाए कि लोग यहाँ से ख़रीदेंगे तो लोगों की मुश्किलात में कमी आ जाएगी।